नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अगस्त बुधवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है। विधि विभाग के परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फाइल को मंजूरी दे दी है। इसके लिए लोकायुक्त अधिनियम 1973 धारा 20 में संशोधन किया गया है। सरकार 14 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विधेयक पेश कर सकती है। जयपुर जिले के रामनगरिया थाना में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर संजय नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं करीब 2 दर्जन जिलों के मध्य दर्जे की बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने रतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, करौली, कोटा, राजसमंद और उदयपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ एक स्थानों पर भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। सरदार शहर में पेट्रोल पंप लूट की सूचना पर सरदार शहर रोड पर श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान एक कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए नाकाबंदी तोड़ी व भागने का प्रयास किया, लेकिन श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी वेदपाल श्योरान सहित पुलिस जवानों ने पीछा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। सरदार शहर रोड पर जैतासर और श्री डूंगरगढ़ के बीच हुई इस घटना में एक आरोपी मौके से पैदल ही भागने में सफल हुआ। इनकी पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी 25 वर्षीय पवन चमार और वल्लभगढ़ निवासी सोनू पंडित के रूप में हुई है। भागने वाले तीसरे आरोपी यूपी बुलंदशहर निवासी जगत सिंह वाल्मीकि को भी पकड़ लिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार 1 सितंबर 2020 तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यूपीएससी आईईएस परीक्षा 2020 भारतीय सांख्यिकी सेवा के साथ 16 और 18 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। अजमेर के महिला समूह के नाम पर शहर में चलने वाले बयासखोरी के गोरख धंधे के एक निर्दोष महिला की जान ले ली। महेंद्र कुमार कोहली की पत्नी 55 वर्षीय विद्या देवी ने पहचान की महिलाओं की ओर से उठाए गए ऋण में गारंटी दी थी। लॉकडाउन में ऋण अदायगी में देरी होने पर बयासखोर लगातार विवाहिता पर दबाव बना रहे थे। बयासखोरों ने दबाव में तंग आकर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। अलवरगीर थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान में भले ही अब राजनीतिक रूप से सरकार पर कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। मामला राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के भाई लक्ष्मण सिंह से जुड़ा है, जिन्हें ईडी की ओर से तलब किया गया है। जयपुर जिले के विद्याधर थाना क्षेत्र में एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि 2 वर्ष पहले ही मृतका का विवाह हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के सांगरिया की एक विधवा संतोष भाटी ने सिने अभिनेता सलमान खान का घोड़ा बताकर उसे बेचकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। घोड़े के लिए उसने 1 लाख रुपए नगद और 11.5 लाख रुपए चेक आरोपी को दिए थे। महिला को शक होने पर उसने पैसे वापस मांगे तो नहीं दिए। इस पर महिला ने कोर्ट में परिवाद पेश कर निर्भय सिंह, राजप्रीत सिंह, प्रीत, राहुल व सरदार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी निर्भय सिंह ने खुद को अभिनेता सलमान खान के फार्म हाउस पर घोड़े सप्लाई करने वाला बताया।
युवती को ब्लैकमेल करने के आरोपी को झुंझुनू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सरदार शहर के मोहल्ला खोरा में रहने वाला आसिफ पुत्र मुंशी खां है। दरअसल 26 जुलाई की देर शाम झुंझुनू निवासी युवती ने शहर के गोपाल गौशाला के सामने स्थित पहाड़ी से कूदकर जान देने की कोशिश की। युवती का आरोप है कि सरदार शहर के आसिफ अली से पढ़ाई के दौरान जान पहचान हो गई थी, तब से आसिफ उसे परेशान करने लगा था। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने युवक का शव MBS के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया। नयापुरा पुलिस ने बताया कि मुक्ति मार्ग निवासी किशन ने घर पर ही फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अजमेर में गूगल पे ऐप पर राशि ट्रांसफर फेल होने की शिकायत कस्टमर केयर से करना एक युवक के लिए महंगा साबित हुआ। सिविल लाइंस निवासी नितेश तंवर ने SP को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। युवक ने बहन के अकाउंट में राशि ट्रांसफर का प्रयास किया लेकिन असफल हो गया। उसने ऐप के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर समस्या की जानकारी दी। बाद में एक कॉल आया और राशि लौटाने का कहकर OTP पूछा और उसके बाद उसके खाते से 3 बार में 99,000 रुपये निकल गए। अलवर की बांसुर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोबाइल से अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। थाना प्रभारी नरेश चंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी कृष्ण गुज्जर निवासी महेंद्रगढ़ हरियाणा को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि 6 अगस्त की शाम जब वह खेत में काम कर रही थी उसी समय आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसे व उसके भाई बहनों को जान से खत्म करने की धमकी देता था। नागौर कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के मानासर क्षेत्र में गत 30 जुलाई की रात को हुई लगभग 8 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कोतवाली थाना अधिकारी रामनारायण भवरिया ने बताया कि गत 30 जुलाई की रात को मानासर निवासी नैनाराम जाखड़ के घर से अज्ञात चोरों ने 65,000 रुपये व 150 ग्राम वजनी 2 सोने की चेन चोरी कर ली थी। पुलिस टीम ने लगातार कठोर परिश्रम कर मानासर निवासी हरिंदर सिंह राजपूत व भाकरोद निवासी विकास भाकल को गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर चोरी किया गया माल बरामद किया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.